गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले दिनों बच्चों हम संज्ञा का अभ्यास कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, उसके कार्य को समझ रहे हैं। आज हम बच्चों उसी से संबंधित लिंग मीन्स जेंडर ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम लिंग क्या है, हमारी कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना देखिए, इसमें पेज नंबर बच्चों 17 इस पे दिया है कि लिंग क्या है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि लिंग क्या है। शब्द के जिस रूप से, जो भी शब्द है उसके रूप से हमें पता चलता है कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, मतलब ये मेल है या ये फीमेल वर्ड है, ऐसा पता चलता है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने भेद हैं, दो। पहला है पुल्लिंग, और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो लिंग क्या है, शब्द के जो रूप है उससे हमें इस बात का ज्ञान होता है, इस बात का बोध होता है, इस बात का हमें पता चलता है कि जो शब्द दिया है वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, पुरुष जाति का बोध, बोध माने पता चलाने वाले, बोध होता है जिससे। और स्त्रीलिंग क्या है, जिससे स्त्री जाति का पता चलता है, स्त्री जाति का बोध होता है या पता चलता है। जैसे आदमी, लड़का, ठीक है ना, इसमें जैसे शेर, इस तरह से। और स्त्री जाति में औरत, लड़की, ये। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग समझा आपने, जिन शब्दों से हमें कोई भी शब्द है, कोई वस्तु है या कोई प्राणी है, उनसे हमें ये पता चलता है कि ये शब्द पुल्लिंग है, तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्री, जिनसे स्त्री जाति के होने का पता चलता है, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो कुछ शब्दों के माध्यम से समझते हैं हम कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। तो अभी आपने समझा लिंग के दो भेद हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जो स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, वो शब्द स्त्रीलिंग है, और जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग है। तो अभी हम कुछ शब्द से समझते हैं बच्चों। अच्छा, कुछ नाम ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं, और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। अब आगे आप बड़ी क्लास में जब जाएंगे तो इसे और विस्तार से समझेंगे। अभी आपको जो छोटी छोटी बातें हैं उन्हें याद रखना बहुत आवश्यक है। तो लिंग के भेद दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो देखिए, अब कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जिनसे हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। पुल्लिंग,
स्त्रीलिंग। अब जैसे यहां दिया है आदमी, ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? औरत। अब जैसे यहां छात्र लिखा है तो छात्र का क्या होगा? छात्री नहीं होगा, छात्रा। ठीक है, जैसे नर, नर का क्या होगा? नारी भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे श्रीमान, श्रीमती, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब जैसे कोई पशु पक्षियों के नाम है, जैसे शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, इस तरह से। तो बच्चों समझा आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो रहा है वह स्त्रीलिंग है। तो लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। असाइनमेंट में बच्चों इसके जो शब्द मैं दूंगी उसे आपको कॉपी नंबर 2 में लिखने हैं और उसे पूर्ण करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसकी जो बुक में एक्सरसाइज दी है, देखो बुक में जो एक्सरसाइज दी है ये दी, इसे हम फिल कर लेंगे, और इसे जो एक्सरसाइज है इसको आपको बुक में ही भरनी है। ये जो शब्द मैं दूंगी इसे आप कॉपी में करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।